जो सच्चे पिता की भूमिका अदा कर रहे होंगे वो इनके साथ खड़े होंगे, और जो ये वाले होंगे छक्के टाइप के वो नहीं खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जितना डरपोक व्यक्ति की कोई नहीं हो सकता। कर्नाटक की सरकार नहीं आ रही है तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, वही काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ राजा हरिचंद की छठी औलाद बगल में बैठते हैं। उत्तर प्रदेश के जितने माफिया हैं मुख्तार को छुड़ा करके। सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 दिन से लगातार महिला रेसलर जो है यहाँ पे धरने पे हैं। बीजेपी के जो एमपी हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है शोषण के खिलाफ में। कहा जाता है कि वो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं और FIR भी दर्ज नहीं किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे कि FIR जहाँ पे बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है वहीं पर FIR दर्ज नहीं किया जाता है। किसने कहा कि बीजेपी बात करती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ? लिखा हुआ देखिए पोस्टर पे लिखा हुआ। देखिए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, वही काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है ये जो पटाओ वाली बात वो तो गलती से निकल गया था मोदी जी के मुँह से। 50 लाख की गर्लफ्रेंड भी गलती से निकला होगा, कांग्रेस की विधवा भी गलती से निकला हो गया, पार्लियामेंट में की रामायण सीरियल की ताड़ुका और सुब्रखा भी गलती से निकला होगा, है कि नहीं? ये भी गलती क्या, है क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं बीजेपी को लेके कि मोदी जी बेटी को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं महिलाओं के लिए? उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 माँ बेटी को जला के मार दिया गया। हाथरस में 1 बेटी को जला के मार दिया गया, रेप किया गया। उन्नाव में इनका कुलदीप सेंगर ने जो कांड किया। मुरादाबाद में बेटी को नंगा दौड़ाया गया। आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। तो भाई इनके मन बढ़े हुए हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोदी सरकार की हैसियत नहीं है कि कोई एक्शन ले ले। कम से कम 30-40 सांसद तोड़ करके सरकार गिरा देगा, उत्तर प्रदेश की सरकार धराशायी हो जाएगी। और कौन ऐसा भाजपा का नेता है बीजेपी में जिनको ये माल नहीं देते हैं? उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ राजा हरिचंद की छठी औलाद बगल में बैठते हैं। उत्तर प्रदेश के जितने माफिया हैं मुख्तार को छुड़ा करके या पंडित हरशंकर तिवारी को छुड़ा करके, पंडित हरशंकर तिवारी का तो पैर कब्र में लटका, तो कौन सा रघुराज है ब्रिजेश से, कौन नहीं चरण चुके प्रणाम करता है? तो क्या कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी डर रहे हैं ब्रिजभूषण सिंह से? तो अभी तक क्या मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था? अब तक कार्रवाई होनी होती ना तो हो गई होती। प्रधानमंत्री किसी से नहीं डरते हैं? प्रधानमंत्री जितना डरपोक व्यक्ति की कोई नहीं हो सकता। कर्नाटक की सरकार नहीं आ रही है तो अपने PWD भ्रष्ट मंत्री से समझौता करते, उनको देर नहीं लगी। आप भाजपा में देख ले जितने दुराचारी हैं, बलात्कारी हैं, व्यभिचारी हैं, अपराधी हैं, 85 मुकदमे 70 मुकदमे तमाम मुकदमे लदे हुए हैं, भाजपा में मलाई काट रहे हैं। लगता है आपने ममता बनर्जी की टिप्पणी सुन ली है कि वॉशिंग मशीन वाली बात आप भी वही दोहरा रहे हैं? नहीं, मैं जो सत्य है मैं वही बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी का नहीं। अभी तो PM केयर फंड जो नहीं बना था, लगभग 3000 करोड़ का घोटाला है, 3000 करोड़ का। मोदी जी घोटाला करके क्या करेंगे? उनके पास ना परिवार है ना बच्चा है, अपने परिवार को त्याग दिया उन्होंने देश के लिए और आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं उन पे। अच्छा, आसाराम के पास परिवार था ही, रामदेव के पास परिवार है, तू कहीं व्यापार कर रहे हैं, परिवार है ना, किसके लिए कमा रहे हैं? इस महिलाओं को लेके कहा जा रहा है जो रेसलर हैं यहाँ पे धरने पे, इनको इनके लिए कहा जा रहा है कि ये लोग इतने दिन से कहाँ थी, अभी जो लगातार जो आरोप लगा रही हैं 2-3 महीने से, इतने दिन से क्यों झेल रही थी, इनके पास कोई प्रूफ है, इनसे प्रूफ मांगा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जो शोषण हुआ उसका प्रूफ मांगा जा रहा है महिलाओं से। हाँ, ये बात तो सत्य है, अतीक अहमद की हत्या करवा दिया गया, उसका भी कोई प्रूफ नहीं होगा भविष्य में। गोधरा के हत्यारे छूट गए
अब साक्ष्य के अभाव में कानपुर के क्या बोलते मेरठ के दंगेबाज जो है छूट गए, हत्या करके लोग छूट जा रहे हैं, कोई प्रूफ कोर्ट में नहीं हो रहा है ना। सरकार नहीं चाहती। पुलवामा के लोग मर गए आतंकवादी हमले में, गवर्नमेंट की नाकामयाबी या जैसे भी, गलवान घाटी में 20 बिहार रेजिमेंट के जवान विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित मार दिए गए, और देश का प्रधानमंत्री निकम्मा जाहिल बोल रहा है कि हमारे देश में कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई आया नहीं, तो आप क्या कहेंगे, आप बता दीजिए। सत्यपाल मलिक से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्यों सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं क्या? लोग कह रहे हैं कितने दिन से वो कहाँ थे, अचानक से आज उनका अंतरात्मा जाग गया। आप भी अंजना मोदी की तरीके से आप भी जो है उन्हीं का जो है कि प्रूफ दीजिए तब डिबेट होगी। ये बच्चियां जो बोल रही हैं, कौन ऐसी लड़की है, कौन ऐसी महिला है जो कहेगी कि मेरे साथ ये अनाचार हुआ था? कौन कहेगा? ये हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली बच्चियां, विश्व में तिरंगा फहराने वाली बच्चियां ये झूठ बोलेंगी? और ये भाजपा वाले राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। गोधरा कांड का तड़ीपार जो है, तड़ीपार देश का गृहमंत्री, अनाप शनाप बयान देने वाला, तड़ीपार मैंने किया था, कोर्ट ने किया था। क्या कहा अभी कर्नाटक चुनाव में वो गए तो बोले क्या हम यहाँ पे मुस्लिम मुक्त कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे सारे मुसलमान। तो उनके पास क्या है? विकास के नाम पर वोट मांग नहीं सकते, काम के नाम पर वोट मांग नहीं सकते, तो उनके पास वोट मांगने का एकमात्र तरीका है क्या? हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, ये तो जैनी है तो इसको हिंदुइज्म से क्या लेना देना? आप बता दीजिए मुझे, इसे राम और कृष्ण से क्या लेना देना? वो तो शाह हैं, जैनी कैसे? मैंने आपको कहा थी जैन धर्म के मानने वाले हैं, जैनी है तो आपको नहीं पढ़ रहा था, आप भी प्रूफ मांग रही है तो जा करके ढूंढते रहिए प्रूफ। अभी इन लोग ये लोग जो लगातार यहाँ पे धरने पे इन लोगों से प्रूफ मांगा जा रहा है, और जब प्रधान ये लोग आपको एक चीज और बता दूं, थाने में बंद लिफाफा 7 बच्चियों ने दिया था कि उसमें बंद होता है, कैसे वहां से नाम खुल करके इन लोगों के पास पहुंच गया कि फला फला उनके घर पर फोन जा रहा, धमकियां जा रही है, पैसे की लालच दे दिया जा रहा है। लेकिन यही मेडलिस्ट जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो पहलवान है यहाँ पे रेसलर, इन्हीं के साथ मोदी जी का भी फोटो खिंचा के अपने ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे डाला करते थे सोशल मीडिया पे, और इन लोगों को शाबाशी देते थे, और आज यहाँ पे जब अरे भाई जब पिछली बार धरना पर बैठे थे अपने लिए न्याय की मांग कर रहे थे, प्रधानमंत्री बुला करके खाना खिलाए, बातचीत किए, मिले आश्वासन भी दिया कि तो आश्वासन समिति के चेयरमैन है बेकरम मोदी जी, वो तो चेयरमैन है, राजा बाबू है ना, तो राजा बाबू तो आश्वासन समिति के झूठ बोलने की, फेंकने की, जुमलेबाजी करने के लिए मशहूर है बेकर है। तो उन्होंने झांसा इनको दिया, 3 महीने झांसे में लोग ऊपर नीचे हो रहे थे, फिर आ गए। आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार महिला विरोधी है? बीजेपी सरकार के ही लोगों ने कहा कि जब हमारे संघ परिवार में कोई महिला नहीं मिलती है तो हम पुरुषों से ही आत्मसंतुष्टि प्राप्त करते हैं, आरएसएस के लोगों का बयान है, मेरा नहीं है। किसका बयान है? पता नहीं क्या आरएसएस का कौन है, तमाम ट्रेंड कर रहा था सब, तो महिला विरोधी है बीजेपी सरकार। और आज तक जो आसाराम का शिष्य रहा हो, जो राम रहीम का पक्षधर रहा हो, जिनके पूर्व गृह राज्य मंत्री बलात्कारी बाबा पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है, इसमें बलात्कार में कि जनसंख्या वृद्धि में, ये विश्व पटल पे नाम है रोशन हो रहा, ये सामने दिखाई दे रहा है ना, ये सब चीजें तो होती रहती हैं। अच्छा मतलब बलात्कार होते रहते हैं, रेप होते रहते हैं, यौन शोषण होते रहते हैं, कुछ लोगों ने कहा था लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। अच्छा लड़के हैं, बिरभूषण लड़के है ना, कोई बॉयफ्रेंड बनाएगा उनको, कोई लड़की बॉयफ्रेंड बनाएगी उनको? आप बता दीजिए, गलतियां उनसे होती हैं तो पूछिए कि बॉयफ्रेंड बनेंगे किसी का? उनकी पत्नी इनको जूते मार के शुद्ध कर देगी। लेकिन आप मतलब मोदी जी को लेके इतनी खरी खोटी बात कह रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता इस देश में जो सत्य बोलेगा, भाजपा और संघ उसके खिलाफ खड़ा होगा,
जैसे पंडित राहुल गांधी की सदस्यता ले लिए, तमाम कुछ जो पीछे पड़े हुए हैं, अब सतपाल मलिक को भी जेल जाना पड़ेगा, हो सकता है भविष्य में इनको भी जेल जाना पड़े। हाँ, तो देख सकते हैं लगातार जो ये हैं बीजेपी पे हमला करते रहते हैं और ये बोल रहे हैं कि सत्यपाल मलिक को भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मैं इनको कह देती हूँ कि सत्यपाल मलिक के सपोर्ट में बहुत सारे लोग, उनके धर्म, उनके जो समुदाय के लोग हैं वो उनके सपोर्ट में आए थे कि नहीं इनको नहीं लेके जाया जा सकता है उनके इनके भी जो जो अपनी बेटियों की रक्षा कर रहे होंगे, जो पुरुष जो मर्द होगा वो खड़ा होगा बच्चियों के साथ, एकदम खड़ा होगा तीन टन की। तो बीजेपी में कोई भी मर्द नहीं है? बीजेपी में मर्द होते तो ये दिन काहे देखना पड़ता। हाँ, तो चलिए देख सकते हैं कि ये लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है वो महिला विरोधी है, जन विरोधी है। लेकिन ये सारी बातों से हटकर जो ये महिलाएं यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, एक महीने पहले, तीन महीने पहले भी ये लोग प्रदर्शन करने के लिए आई थी और उनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज भी ये लोग धरने पर लगातार तीन दिन से यहीं पर सो रही हैं, खा रही हैं और यहीं पर वर्कआउट भी कर रही हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ से संसद भवन बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी यहीं बैठते हैं, और ये लोग जब कुछ खिताब जीत के आती हैं, जब अपना नाम पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में नाम रोशन करती है, तो वही प्रधानमंत्री मोदी जी इनके साथ फ़ोटो लेके अपने फेसबुक, ट्विटर और ना जाने कहां कहां सोशल मीडिया पे डालते हैं। लेकिन आज जब ये लोग धरने पे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ है, तो इनकी बातें सुनी नहीं जा रही है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।